आज की पावर बीआई की क्लासेस में हम डैक्स फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और डैक्स फंक्शन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फंक्शन, क्योंकि मोस्टली एक्सेल के फंक्शन की तरह ही होगा। तो हम शुरुआत करते हैं एबीएस फॉर्मूला। एबीएस फॉर्मूला क्या करता है? अब्सोल्यूट रेफरेंस। कई बार चीजें माइनस और प्लस में होती है, तो मुझे सबको प्लस में करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? एबीएस फॉर्मूला। इसको सेम एक्सेल की फॉर्मूला है आपका, यहां पे हम यूज करेंगे एबीएस, और एबीएस के अंदर अपना नंबर देंगे जो कि है मान लीजिए क्वांटिटी है। तो इसमें आपको क्या करेगा, प्लस माइनस, प्लस को प्लस रखेगा और माइनस को माइनस कर देगा। क्या करेगा? प्लस को प्लस और माइनस को माइनस कर देगा। अब जैसे कि क्वांटिटी आपके सामने दिख रहा है और 25, 76, तो बेसिकली क्वांटिटी कुछ भी हो, लेकिन हमने उनको भेजा है, वो भेजा है 10 के राउंड, मतलब कि हम 25 ने उनको 30 भेजे हैं, 30 की भेजे। अगर 25 को और आया है तो हम 30 भेजेंगे, क्योंकि तो हमारा 10 का बॉक्स है, और हम लूज नहीं देते हैं, बॉक्स में ही देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सेलिंग का। तो यहाँ पे जैसे एक्सेल का फॉर्मूला है सेलिंग, तो सेलिंग फॉर्मूले में हम देते हैं क्वांटिटी और यहां देंगे हम अपना सिग्निफिकेंट जो कि 10 है। तो नंबर को राउंड करने में काम आता है सेलिंग फॉर्मूला अपर में। लेकिन मान लीजिए नहीं, अगर 25 है तो हम लोअर भी भेज देंगे, मतलब 25 है तो हम 20 भी भेज सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आता है, फ्लोर। ठीक है, फ्लोर। तो यहां पे लगाएंगे फ्लोर। तो फ्लोर फॉर्मूला बिल्कुल सेलिंग की तरह काम करता है, बट यहां पे क्या करेगा कि वो 10 कर दिया, तो 10 का राउंड अप तो करेगा पर लोअर में करेगा। किसमें करेगा? लोअर में करेगा। समझ में आया सर? कौशिक जी, कविता जी, कोई डाउट इसमें? नो, मुझे कौशिक जी आप बताइए कि क्या करेंगे अगर मेरे पास, मुझे क्या करना है, नियरेस्ट देना है। बताइए, जैसे ये तो अपर कर देगा, 21 होगा फिर भी 30 कर देगा, ये आपका 29 होगा फिर भी 20 कर देगा। ठीक है, सर क्या फॉर्मूला सेलिंग अप के लिए हो गया, फ्लोर लो के लिए? लेकिन मैं बोलता हूं कि जैसे 24 है तो 20 शो, 24 हो है तो एक्स ऐसा। एक्स तो राउंड डेसिमल के लिए होता है ना, हम डेसिमल तो कर ही रहे यहां पे, तो नंबर राउंड। जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास एक क्वांटिटी का ऑर्डर आता है और आप जो भेजते हैं बॉक्स भेजते हैं, तो आप खोल के तो दे नहीं सकते, लूज तो दे नहीं सकते, देना है तो बॉक्स में देना है। तो किसी ने अगर 25 ऑर्डर किया तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सेलिंग देंगे या फिर फ्लोर देंगे। क्या देंगे? सेलिंग देंगे, नहीं तो फ्लोर देंगे, ये करेंगे ना। लेकिन आपके बॉस ने तीसरा कंडीशन डाला, बोला यार मुझे नियरेस्ट देना है, क्योंकि बच्चा होगा कि मान लीजिए किसी ने 21 ऑर्डर किया तो उसको 30 चिपकाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, 9 ज्यादा लेना दिक्कत हो सकता है ना। क्या आप ही अगर मान लीजिए कि गए 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, वो बोलता है कि 1 लीटर नहीं मिलेगा आपको, 10 लीटर लेना। हालांकि वो, या मान लीजिए आप 6 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेने गए तो 10 लीटर दे दिया। तो कहने का मतलब कि हमारा क्या है कि 10 का पैकेज है, किसी ने अगर 11 लीटर की डिमांड की तो उसको हम 20 लीटर नहीं दे सकते ना सर, और किसी ने 19 लीटर का डिमांड किया उसको अगर 10 लीटर देंगे तो 9 लीटर का नुकसान है मेरा। तो हम कस्टमर को छोड़ना भी नहीं चाहते, ज्यादा नुकसान करना भी नहीं चाहते। बात समझ में आया आपको? तो यहां डेसिमल राउंड की बात नहीं चल रहा है, नंबर राउंड की बात चल रहा है।
ठीक है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है सर कि जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे एन क्वांटिटी, अभी और मैं इससे पहले किसी को बताया भी नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सर। एन क्वांटिटी लिया और हमने बोला इसमें कि क्वांटिटी डिवाइड बाय 10, क्वांटिटी डिवाइड बाय 10, और इसको राउंड लेंगे। क्या करेंगे? राउंड। राउंड में यहां पे हम करेंगे कॉमा 0, तो ये क्या करेगा कि 2.76 है तो 8 दिखा देगा, अगर 2.43 है तो 4 दिखा देगा, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो यहां देखिए 25 था तो 30 दिखाया, 76 80, 68 में तो इसने क्या दिखाया? 70 दिखाया, 43 में देखिए 40 दिखाया। प्रॉब्लम सॉल्व। कविता जी समझ में आया आपको? कौशिक जी समझ में आया? सेम कंडीशन हमने एक्सेल में दिया था तो हाँ, तो डायरेक्ट राउंड से नहीं होगा, हमें डिवाइड करके राउंड देना है। ठीक है, डिवाइड करके राउंड देना है। तो यहां पे आप राउंड का फॉर्मूला सीख लिए और सेलिंग फ्लोर का सीख लिए। राउंड के भी तीन दो फॉर्म दो तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो राउंड जो मैंने बताया जो नियरेस्ट होता है, एक होता है राउंड अप। क्या होता है? राउंड अप, जस्ट लाइक एक्सेल की तरह। ये क्या करता है कि आपका अपर का वैल्यू देता है, राउंड अप। राउंड अप में मान लीजिए मैं प्रॉफिट लेता हूं तो ये आपको हमेशा अपर वैल्यू दिखाएगा। वैसे आता है राउंड डाउन, हमेशा डाउन की वैल्यू दिखाएगा। तो राउंड अप राउंड डाउन, दोनों समझ में आ गए? जैसे एक्सेल के फॉर्मूले हैं, उसमें कोई खास नहीं है, राउंड अप एंड राउंड डाउन। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अमाउंट है, हमारा अमाउंट है। अब अमाउंट को एज ए नंबर होल नंबर है, लेकिन जैसे मैं इसको करेंसी में करता हूं, मैं फॉर्मेट जो है इसका होल नंबर से करेंसी कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी करेंसी। तो करेंसी करते ही इसमें डेसिमल प्लेसेस लग जाता है, कॉमा लग जाता है, डॉलर का साइन लग गया। अब यहाँ पे मैं डॉलर साइन हटा के यहाँ पे मैं मान लीजिए कि रुपीज का साइन है या जो भी साइन है वो यहां पर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि यहां डैशबोर्ड पे अगर मान लीजिए अमाउंट हम देते हैं यहां, तो यहां पे डॉलर का, यहां पे देखिए रुपीज का साइन आ जाएगा, आ गया रुपीज का साइन, और यहां पे डेसिमल भी एरिथमेटिक का साइन आ गया। देखिए डेटा में अगर मैंने इसको करेंसी के जगह पे हमने जनरल कर दिया या होल नंबर कर दिया तो यहां से हट जाए। हट जाएगा थोड़ा देर में, नहीं हट रहा है, अब रिफ्रेश होगा तो हट जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हमें किसी डेटा डैशबोर्ड पे मुझे सैंपल के साथ दिखाना होता है, किसी पे बिना सैंपल के साथ दिखाना होता है, तो मैं अपने कॉलम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूं। तो आपके पास एक करेंसी नाम का फॉर्मूला है, क्या है? करेंसी। करेंसी में आप अपनी वैल्यू दे दे जो कि हमने डाल दी अमाउंट,
और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, तो करेंसी ऑटोमेटिक देखिए कन्वर्ट होके आ गया, आ गया कन्वर्ट होके, डेटा कन्वर्टेड होता है कि उसका यहाँ पे बोले यहाँ पे करेंसी सिंबल जो आया रुपीज नहीं है इन दैट केस हमें डॉलर दे सब सेटिंग्स कौन से यहाँ से इधर ठीक है ओके अब यहाँ पे चीज और है कि मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे मतलब क्वांटिटी को मुझे 10 से डिवाइड करके मुझे बॉक्सेस निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है बॉक्सेस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैंने बॉक्स लिया और मैंने यहाँ पे कर दिया क्वांटिटी, क्वांटिटी डिवाइड बाय हमने 10 कर दिया, तो डेटा आ गया यहाँ पे, बट तो यहाँ डेटा आ रहा है डिवाइड करने पर डेटा आ रहा है, लेकिन कई बार केसेस में प्रॉब्लम क्या होगा कि यहां पे अगर जीरो हुआ, कई बार ऐसा हो सकता है कि जीरो होगा, जीरो को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सर, एरर आएगा ना, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीरो हो सकता है तो डिवाइड ऐसे ना करें, आप करें डिवाइड, डिवाइड फॉर्मूला, इसमें क्वांटिटी लें और आपको यहां पे डिविडर दे देगी, डिविडर क्या होगा तो हमने 10 कर दिया, अगर ब्लैंक होगा या जीरो होगा तो क्या आएगा, वो आपका नन आएगा, मतलब ब्लैंक आएगा, आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे जैसे यहां पे आपको बस बॉक्स के लिए हमने डिवाइड किया फिर राउंड किया, इसके जगह पे हम एक चीज और कर सकते हैं एम राउंड, मोड फॉर्मूला पता है आपको मोड क्या करता है, कौशिक जी मोड जानते हैं, जी सर सेशन हाँ तो मोड भी लगा सकते हैं, एक इसमें आता है राउंड, एम एम राउंड, जैसे कि मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी को मैं 10 से डिवाइड करना चाहता हूं, ठीक है, तो नॉर्मली डिवाइड किया हमने तो क्या आया डेसिमल में आया, लेकिन ये डेसिमल में नहीं आएगा ये एग्जैक्ट आएगा 3080, मतलब कि एम राउंड क्या करता है मल्टीपल राउंड, कि किसी नंबर को अगर किसी से डिवाइड करते हैं, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा तो उसके आस पास कौन सा नंबर है उसको शो कर देगा, जैसे मान लीजिए कि मुझे 50 है उसको 70 से डिवाइड करना है क्योंकि होल्ड होगा नहीं, तो 51 शो कर देगा क्योंकि 51 70 से डिवाइड हो जाता, ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स सर जो हमने ट्रिक के साथ क्वेश्चन किया था अभी राउंड के साथ ट्रिक लगा करके किया था हाँ उसको ऐसे भी किया जा सकता है मतलब ट्रिक नहीं, हाँ किया तो जा सकता है, देखिए 43 है तो 43 पे 40 दिखा रहा, हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, ये नीरेस्ट ही दिखाता है, ये भी नीरेस्ट ही दिखाता, ठीक है, क्लियर है।
बाकी जो फॉर्मूले एक्सेल के हैं तो चलते ही चलते हैं, वो आपको पता ही होगा, एक्सेल के फॉर्मूले यहाँ भी बिल्कुल चलते ही चलते हैं। जो इसमें हम बात करेंगे, कुछ फॉर्म बात करेंगे इसके डेटा के। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ डेटा है, अब उसके लिए मुझे कुछ डेटा लेना पड़ेगा, ठीक। इसमें कुछ डेटा लेना पड़ेगा मुझे, मुझे कुछ डेटा मैं यहाँ से लेता हूँ, एक्सेल से डेटा बनाता हूँ। ये पावर भी क्यों खुल रहा है? हम बात करेंगे लुकअप फील्ड का, इसका बात करेंगे लुकअप का, लुकअप वैल्यू। जैसे एक्सेल में वी लुकअप होता है ना, ऐसे यहाँ पे लुकअप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे टेबल पे गए और यहाँ पे मैंने न्यू टेबल क्लिक किया, क्या क्लिक किया? न्यू टेबल। न्यू टेबल में मैं यहाँ पे मान लीजिए कि एसओ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल कॉमा लगा के और यहाँ पे एसओ लेके आता लेके आता हूँ, एसओ लेके आता हूं। तो यहाँ पे सारे एसओ लिस्ट आ गए। अब इसके आगे मुझे इसका स्टोर लुकअप करना है। हालांकि मैं यहाँ एसओ के साथ यहाँ पे अगर मान लीजिए कि स्टोर भी दे दिया, स्टोर भी दे दिया, तो यहाँ पे आपका एसओ स्टोर आ जाए। लेकिन क्या है कि यार रिपीटेड आ, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये नहीं दिखाना है कि पूजा किस किस स्टोर के लिए काम करता है, बस पूजा का एक स्टोर आ जाना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पे नेम को रिपीटेड नहीं चाहता हूं, ठीक है ना? किसी एक स्टोर का नाम मुझे यहाँ पे दिख जाना चाहिए, किसी एक स्टोर का नाम। तो ऐसे केसेस में मुझे पूजा के बिहाफ पे दूसरे टेबल से डेटा को लुकअप करना पड़ेगा, जैसे हम वी लुकअप करते हैं। तो चलिए हम यहीं पे वी लुकअप का यूज करते हैं। तो यहाँ न्यू कॉलम में आते हैं और न्यू कॉलम में आने के बाद यहाँ लगाते हैं हम मान लीजिए स्टोर। स्टोर में यहाँ देते हैं हम लुकअप वैल्यू। जैसे वहां पे वी लुकअप होता है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू होता है। लुकअप वैल्यू में रिजल्ट का कॉलम कौन सा चाहिए? तो हमने बोला कि हमें चाहिए स्टोर, क्या चाहिए? स्टोर चाहिए। अब यहां पे आता है आपका सर्च कॉलम कि मैच किसके साथ करना है हम, तो मैच मतलब कि किसको, पूजा को कहां, किसको सर्च करना है, पूजा को किस कॉलम में करना है। तो हमने यहां पे लिखा कि एसओ वाले कॉलम में करना है। अब यहां पे आपको सर्च क्या करना है, तो पूजा करना है। एसओ का जो पूजा है, एसओ का जो एसओ है वो मैंने ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो एक मिनट, हम यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि लुकअप वैल्यू में अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो आपको नहीं शो करेगा। वी लुकअप की तरह ऐसा नहीं है कोई एक शो कर देगा, ठीक है? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो आपको यूनिक वैल्यू ही शो करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, एक और टेबल बनाता हूं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आते हैं, इसको डिलीट करता हूं मैं यहां से। तो मैं यहाँ टेबल टूल्स पे न्यू टेबल पे आता हूँ और यहाँ पे एसओ और एसपी के नाम से टेबल बनाता हूँ जिसमें ऑल फॉर्मा लगाऊंगा, जिसमें एसओ रहेगा
और कॉमा स्टोर रहेगा, दोनों आए। क्योंकि मुझे लुकअप यहाँ इसके लिए डेटा बनाना ही पड़ेगा, वैसे ऐसा नहीं। मुझे डेटा लेने दीजिए यहाँ से, वी लुकअप का डेटा वो ले लेता हूँ मैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डेटा लेता हूँ। लॉगआउट किया और पावर बीआई पे जाते हैं। और होम एंटर डेटा सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। टेबल का नेम रियल लुकअप वैल्यू एलवी कर देता हूँ एंड लो। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ऑल कॉमा लगाया इक्वल आईडी लोकल भी के नाम से टेबल बनाता हूँ और इक्वल टू देता हूँ ऑल 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 एल वी लेके एंटर मार एल वी। लेकिन एल वी का मुझे क्या चाहिए, एल वी का मुझे चाहिए मान लीजिए आई डी। एल वी के सारे आई डी यहाँ पे आ गए। अब इसके रिगार्डिंग में मुझे इसका मान लीजिए अमाउंट चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, न्यू कॉलम यहां पे अमाउंट और यहां लगाएंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, तो मुझे एलवी का अमाउंट चाहिए। सर्च क्या करना है, तो एलवी की आईडी पे सर्च करना है। और शो क्या करना है, मैच क्या करना है, तो ये आईडी होगा किसका, लुकअप वैल्यू का। अब देखिए ये लुकअप हो क्या आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वी लुकअप पे काम करता है। हालांकि इसका यूज हम लोग रिलेशनशिप के थ्रू कर लेते हैं। रिलेशनशिप के थ्रू कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि अब इसके लिए आपको रिलेशनशिप समझाना हो, तो ये हो गया हमारा डेटा। अब इसमें हम एक काम और करते हैं, इसको एक लेते हैं यहां से कॉपी और एक नया सीट पर रखता हूँ। ये हमारा आईडी हो जाएगा और ये हमारा बैंक हो जाएगा, एसबीआई। इसको हम कॉपी कर दें और फिर वापस पावर बीआई पे हम एक होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद हम एंटर डेटा पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे बी के नाम से टेबल बना देते हैं बी के। देन ओके, अब देखिए अब यहाँ पे आते हैं इसमें। अब इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप लगा हुआ है, तो ये रिलेशनशिप हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ए सब हटा दीजिए, ये रहा अलग, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारा बैंक और एलवी है, तो बैंक की जो आईडी है एलवी की आईडी की इक्वल है, तो इसको उठा के इसके ऊपर हम ड्रॉप कर देंगे, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहां अब मुझे एलवी यहां पे जो हमने बी बैंक का डेटा लाया है, अब इसके आगे मुझे क्या निकालना है। मान लीजिए एलवी से जो इसकी जो अमाउंट है
इस अमाउंट को लाना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो मैंने बताया आपको कि हम लुकअप वैल्यू कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लुकअप वैल्यू। लेकिन लुकअप वैल्यू में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर जैसे 105 यहां तो एक बार है चलेगा, या यहाँ पे ज्यादा भी होगा फिर भी चलेगा, लेकिन जहां से लुकअप कर रहे हैं वहां पे वो वन टाइम ही होना चाहिए, और एक बार से ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे केसेस में हम यहाँ पे रिलेशनशिप यूज करेंगे, और जैसे यहाँ पे मुझे अमाउंट लाना है तो यहाँ लगेगा फॉर्मूला रिलेटेड का, इसका रिलेटेड, और रिलेटेड में हमने बोल दिया कि मुझे चाहिए एलवी का अमाउंट, लेकिन उसके लिए रिलेशनशिप लगा कर रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। कौशिक जी कुछ पूछ रहे हैं सर? जी सर बोलिए। पूछ रहे हैं कि सर ऐसे कुछ फ्रेम जो है ना रेफरेंसिंग में, लाइक हमारे पास में दो डेटा है, एक हमारे पास में सीआरएम का डेटा है बेसिकली, एक लीड में उन्होंने अलग 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 सेल्स पर्सन ने उसको किया, दोनों डिफरेंट अलग अलग शीट्स पे अभी हमें मंथ का कोरिलेशन करना है कि उस मंथ में लीड्स कितनी आई है और उस मंथ में लीड्स जनरेट मतलब क्लोज कितनी है, तो वो रिलेशन डेट का रिलेशन कैसे बनेगा। बस जैसे रिलेशनशिप आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा पूरी तरह से, यहाँ मैंने रिलेटेड का फॉर्मूला बताया, यहाँ मुझे लुकअप फॉर्मूले पढ़ाना था, हाँ ये आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो होगा ना वो रिलेशनशिप का ही है। अब आपका ये खत्म हो गया, डेक्स फंक्शन खत्म हो गया आपका, ठीक है। हेलो अच्छा, वो सॉरी वो मेरा आ गया, ठीक है। तो रिलेटिव फॉर्मूला समझ में आ गया, तो बाकी जो मैथमेटिकल फॉर्मूले है ना, जो एक्सेल के फॉर्मूले है वो सारे फॉर्मूले इस पे चलते हैं, तो आई थिंक आपको एक्सेल के फॉर्मूले आते होंगे, जो बी ये जो पावर बीआई रिलेटेड फॉर्मूले थे वो तो आपको मैंने सारे करा दिए, ठीक है। मेजर्स में कैलकुलेशन भी करा दिए, कैलकुलेट फॉर्मूला भी आपको मैंने करा दिया, मतलब जो हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे करेंगे, उसके बाद हम कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ाएंगे जहां पे हम कुछ डैक्स जो स्टेटमेंट होते हैं उस डैक्स स्टेटमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे डैक्स फंक्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके हेलो।